हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं किरण और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का क्राफ्टी ब्लॉग विद किरण में। दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ जो प्लास्टिक कैरी बैग की वीडियो शेयर करी थी, उसे आप लोगों ने बहुत ही पसंद किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं फिर से आप लोगों के साथ एक पॉलीथीन रियूज का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। इसके लिए हमें इस तरह की कलरफुल पॉलीथीन लेनी है। मैंने यह रेड कलर की पॉलीथीन ली है। आप पीले कलर की या हरे कलर, कोई से भी कलर की पॉलीथीन ले सकते हैं। ये एक ब्रेड की थैली है। मेरे घर पर रोज ही ब्रेड आता है, तो इसी तरह की काफ़ी थैली इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका रीयूज़ किया जाए और बनाया जाए सुंदर सा DIY। और इसके लिए हमने ये न्यूज़पेपर लिया है और इसके अंदर इस पॉलीथीन को इस तरह से रखेंगे और गरम प्रेस से इसके ऊपर प्रेस करेंगे। इससे इसकी दोनों साइड आपस में चिपक जाएंगी और ये थोड़ा थिक हो जाएगा। अब हम इसका रेड पार्ट निकाल लेंगे और इससे एक पत्ते का डिज़ाइन कट करके हम इसमें से निकाल लेंगे। इस तरह की एक पॉलीथीन में हमारी दो पत्तियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने पत्ती का शेप निकाल लिया है और इसी तरह से हम सारी पत्तियों को तैयार कर लेंगे। और उसके बाद में पत्तियों के अंदर जो नसें बनी होती हैं, हम उनको बनाएंगे। इसके लिए एक मोमबत्ती से मैंने इस तरीके से मोड़कर, आप वीडियो में देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। और देखिए, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल की पत्तियाँ होती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से लगने लगी हैं। और इसके बाद हम लेंगे ये लोहे के तार का टुकड़ा और एक पॉलीथीन की पट्टी कट करके हम इस तरह से लपेटेंगे। ये टुकड़ा करीब 4 इंच का हमने लिया है और इस तरह से लपेट के और इसके ऊपर हम मोमबत्ती से इस तरह से इसे करेंगे तो ये अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगा। और इसी तरीके से हम सारे तार के जो टुकड़े हैं तैयार कर लेंगे। और अब हम ग्लू गन से इसे पत्ती के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसे स्टिक कर लेंगे। 3 इंच के करीब मैंने इसे पत्ती पर स्टिक किया है। और उसके बाद हमें लेनी है ये ग्रीन कलर की पॉलीथीन और इसकी हम पतली पतली कट करके पट्टियाँ निकाल लेंगे। और आप लोगों को अगर मेरे वीडियो पसंद आते हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। और इसके बाद में हमने एक और लोहे का ये तार का टुकड़ा लिया है, ये करीब मैंने 12 इंच का लिया है। और इसके ऊपर सबसे पहले हम ये इस तरीके से जो पत्तियां हमने तैयार की हैं वो लगाएंगे और इस तरह से लपेटते हुए करीब 3-3 इंच की दूरी पर हम इस तरह से पत्तियां लगाते हुए और नीचे तक स्टिक कर लेंगे। इससे हमारी एक टहनी तैयार हो जाएगी। और इस एक टहनी में मैंने 4 पत्तियां लगाई हैं। और देखिए, ये इस तरीके से हमारी एक टहनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इन पत्तियों को इस तरीके से खोल लेंगे और देखिए, लग रहा है ना, बिल्कुल आर्टिफिशियल जैसे प्लांट होता है वैसा ही। और इसी तरीके से हम 4 टहनियाँ तैयार कर लेंगे। आप लोगों को मेरा ये प्लास्टिक रीयूज का आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताएं। और आप लोगों के पास अगर इस पॉलीथीन रीयूज के और भी आइडियाज़ हों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लेकर आपके आइडियाज़ को शेयर करने की कोशिश करूँगी। और बातों ही बातों में ये देखिए, हमारा आर्टिफिशियल का प्लांट जो है बनकर एकदम हो चुका है रेडी। और सारी टहनियाँ तैयार करने के बाद में हमने करीब 2 फीट का ये तार का टुकड़ा लिया, इसके ऊपर हमने पहले वाली टहनियों की तरह ही पत्तियाँ स्टिक की हैं। उसके बाद हम एक एक टहनी लगाते चले जाएंगे और ये प्लांट की तरह बनकर तैयार हो जाएगा।
मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और करने वाले हैं तो आपका एडवांस में बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब मैं आपको इसे लगाकर दिखाती हूँ। मैंने इसे कई जगह लगा लगा कर ट्राई किया और ये हर जगह पे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और अब आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ गया है, और इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।